कल हमारे ना दोस्तों सासू माँ का कॉल आया था, बहुत एक्साइटेड है कि सासू माँ ने क्यों बुलाया हमें, और फर्स्ट टाइम दोनों लोग को बुला रहे हैं, मानसी को भी, हमको भी और मानसी को पापा को भी। तो देखिए बहुत ही बड़ा बड़ा खुशियाँ आने वाला है हमारे घर, हमारे फैमिली में। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। काजल कूलर बंद करो, और हम भी अच्छे, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। मेरा चप्पल कहाँ गया। तो दोस्तों ये ब्लॉग हम लोग करीब 2 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं दिन में, अरे बाप रे, क्योंकि काजल का तबीयत खराब था, तो अभी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, तबीयत में सुधार आया है। और ये बड़े पापा के मच्छरदानी लाए थे, और ये पंखा टूट गया था रात में, आओ ना, लक गुस्सा हो गई है, देख सकते हैं। हाथ हटाओ, दब जाएगा। हाँ रुको, खाना पानी ले ले, आप कैमरा पकड़ो, मैं ले आ रहा हूँ पानी, लो फोन लो। और ये पंखड़ी ना टूट गया था, पंखा वाला, रात में, तो एक पंखड़ी भी लाए और मच्छरदानी भी लाए। चप्पल पहनो, हटो, मैं पानी ले। और देखिए जो वाटर मेलन फरा था ना, वही फ्रिज में रखे तो हम नहीं खाएंगे, हमको तो सर्दी बुखार है, लेकिन बहुत मन कर रहा है खाने का, तो मानसिक ले लिए, नहीं तो बाबा, नहीं तो मानसिक खाएंगे, दोनों लोग में कोई, थोड़ा सा हम अपने लिए रखे, ठीक हो जाएंगे तो खाएंगे। पूरा देह कांप रहा है, बॉडी पूरा मस्त कर रहा है। आ जा बेटा, किसने बोला है, देखो तो, देखो तो, किसने बोला, डांट सुने आज मानसिक, किसने डांट दिया, करने था ना पकड़। बेटा कौन है हमारा, ये है पापा है, कहती है कि मैं हूँ। अबे वो खतर गुस्सा हो गई, किसने है, जितना जितना दुलार करेंगे ना उतना ही ज्यादा, और नहीं बोलती है किसी से, देखो तो स्कूल गई थी। आज खाना नहीं मिला सुबह सुबह, इसलिए नहीं गई, काजल का तबीयत खराब था, इसलिए कल जाएगी। कितना डेंजर जमा है, इसका लौना इतना खड़खड़ जा रहेगा, इधर तो बकरी खा गई है कद्दू को। बाकी चलिए ऊपर चलते हैं, बाबा के लिए वाटरमेलन लिए हैं। बेटा ये लो वाटरमेलन, बाबा को दे दो, गिराना मत, ना फरा रहा बड़का बाजी हुए। हाँ मीठ लगा था, हाँ बहुत मीठ लगा था। तो दोस्तों देखिए कितना सारा धान सब जर गया है, इस बार एक भी धान नहीं होगा, मेरा भी उधर खेत हो भी एकदम रेड रेड दिख रहा है। और ये मच्छरदानी लगाने का जुगाड़ लगा है। बताओ क्यों डाटे पापा, बताओ बताओ, दोस्तों से बताओ, क्या होगा। फिर बाइक धुलाने लाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, शाम का टाइम हो रहा है, हम बाइक धुलवा के आ गए थे, तो चलिए फटाफट से आंगन में झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि अंदर में काजल लगा दी है। चलिए झाड़ू किधर है, ये हो गया है क्लीन पूरा आंगन से लेके द्वार तक। अभी शाम का टाइम हो गया है, चलिए घर के ऊपर का लाइट जला देते हैं, नहीं तो रात में अंधेरा हो जाता है, लाइट जलता है तो बहुत अच्छा लगता है। यही रहो बेटा, मैं छत पे जा रहा हूँ लाइट जलाने। अभी चलोगी, चलो मैं भी आ रही थी, सॉरी सॉरी, चलो आराम से, ठीक है आ जाओ। और इधर बड़े पापा के लिए मच्छरदानी लगा दिए थे उस टाइम, देख सकते हैं। ये मैं चेयर भी ले ले रहा हूँ, ठीक है, बैठेंगे वहाँ पे, हाँ छत पे बैठेंगे, मैं मम्मी को देखूंगी। हाँ आराम आराम चलना, ठीक है। हाँ, अरे मैं कोई ये नहीं, हाथ पकड़ा ऐसे करके चलती हूँ। पहले चॉकलेट खा लो, हाँ। फिर खाना बनाना। तो ये है मानसी का बर्तन जिसमें खाना बनाती है छत पे आके। पानी डाल के मिट्टी डालती हूँ मैं। मिट्टी का खाना कौन कौन खाए हैं बताइएगा, मानसी बनाती है। गिर गया, हाँ। दो मत खाओ, गिरा दी है। दोस्तों अभी देख सकते हैं क्या बनाई है काजल, ये आलू पराठा है, आलू भर के आलू का पराठा, और कैसे भी दुख सुख से बनाई है बेचारी, और बहुत तेज भूख लगा दोस्तों। और ये देख सकते हैं इसमें अंडा और ये साग, आप खाइए पहले। हाँ मैं तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, तो
काफी टेस्टी वैसा लग रहा है। लाइटर बताओ, देखिए चलिए फटाफट से खा लेते हैं। बेटा इधर आओ, तो विमान से ना थोड़ा सा खुजली कर दिया पैर में, हल्का सा होता ना खुजलाता है, तो खुजली करने से हल्का सा से लाल हो जाता है वहाँ पे, वैसे ही हो गया है। तो कह रही है खून हो गया मेरे को, हैंडो प्लस लाउस है ना बेटा। शाम का टाइम हो रहा है और ये नेक्स्ट डे हम शूट कर रहे हैं वैसे तो, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा शरीर में दर्द था मेरा, थोड़ा सा उसमें वो कर दिया था ना, कसरत कर दिया था थोड़ा सा, तो इस वजह से पूरा बॉडी में पेन था, तो हाथे नहीं उठ रहा था ऐसे, इस वजह से कुछ भी शूट नहीं कर पाया। और ये नेक्स्ट डे शाम का टाइम है, देख सकते हैं सूरज भगवान अभी ढलने जा रहे हैं। हम नहीं डांटे, आपने डांटा था। अभी देखिए दोस्तों हमारे घर के पास से ऐसे ऐसे ही गाड़ी जाता है, बस दूसरा गाड़ी नहीं जाएगा क्योंकि सड़क और बड़ा बड़ा ट्रक जाता है, और बड़ा बड़ा ट्रक जाता है। तो कल हमारे ना दोस्तों खराब है इतना, कल हमारे ना दोस्तों सासू माँ का कॉल आया था, तो बात किए थे मानसी के पापा, हम तो नहीं कर पाए क्योंकि हम पता ना, ना हम बाहर थे उस टाइम। अच्छा हाँ हाँ, हाँ गए थे शायद हॉस्पिटल वगैरह गए थे, तभी कॉल आया था। तो क्या बोले, मतलब मम्मी बोल रही थी कि कहीं मतलब बुला रही हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, आप लोग इंतजार कीजिएगा कहाँ जाना है। हाँ, और दोनों बुलाई लोग है को तो बुला रहे हैं, मानसी को भी, हमको भी और मानसी को पापा को भी। हाँ, ऐसे तो कहे तो सारा फैमिली भी आएगा। तो देखिए वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है और मुझे मतलब बहुत एक्साइटमेंट है हम लोगों को भी। अब हम बिना परमिशन के ऐसे नहीं बता सकते, हम पूछेंगे एक बार, तो हो सकता है अगले वीडियो में रिवील कर देंगे। हाँ, अब इस तरह की बातें हैं, क्या बता सकते हैं या नहीं, अभी अपने मन से बताने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बट हाँ, कॉल आया था और बुलाने के लिए बोली थी आने के लिए, और आप सब थोड़ा सा गेस कीजिएगा है ना। हम बहुत एक्साइटेड थे कि सासू माँ ने क्यों बुलाया हमें, और फर्स्ट टाइम। तो देखिए बहुत ही बड़ा बड़ा खुशियाँ आने वाला है हमारे घर, हमारे फैमिली में, और सभी लोग, सभी लोगों के पास खुशियाँ आने वाला है। तो आप सब बने रहिए, वैसे आप कंटिन्यू अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे ना, शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को मानसी को सर्दी हो गया, मेरे बच्चे को। अगर आप सबको मतलब कि जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें कि हमारा करीब शादी का मतलब लव मैरिज शादी हुआ था करीब 4 साल, 4.5 साल, 5 साल हो गया ना, 5 साल हो गया समथिंग, मेरे को उतना डेट याद नहीं है। तो उसके बाद से अभी तक गए नहीं है घर पे हम लोग, मानसी के पापा गए हैं, बाकी हम मानसी नहीं गए, हम भी कुछ दिनों से नहीं जा रहे। और मतलब कि ये एक बहुत ही बड़ा आप लोगों को सरप्राइज ही मिलने वाला है, और देखिएगा आप लोग कंटिन्यू बने रहने के लिए पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए आप लोग। तो यही सब चीज़ें थी बताना था, और खासकर अभी देखिए क्या होता है, हम ज़्यादा बोल ही नहीं पा रहे ना, क्योंकि बिना परमिशन के कोई भी बातें शेयर करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हम एक बार परमिशन ले लेंगे, इस तरह की बातें हैं अगर हम बता सकते हैं तो परमिशन मिल जाएगा, तो फिर हम आप सबके साथ बेखौफ शेयर करेंगे है ना। बस इतना हिंट दे दे रहे हैं कि हाँ बुलाई है अगले शुक्रवार को, देखिए क्या होता है और कहाँ जाना है क्या है, वो तो डे बाय डे अपडेट मिल ही जाएगा आप लोगों को है ना। तो अभी काजल रेडी हो गई है, चलिए एक दो रील्स बना लेते हैं छत पे, देखिए कितना सुंदर प्यारा लग रहा है ना, पूरा सूरज भगवान ढल चुके हैं, ढल रहे हैं, अभी लोकेशन काफी अच्छा आएगा। और चलिए एक दो रील्स बना लेते हैं, क्योंकि रील्स पे हम लोग काफी वो थोड़ा सा हो गया था और नोक और हमारे बीच थोड़ा सा नोक झोंक हो गया था काफी भी है, छोटी छोटी बातों के लेके किसी इंसान पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, वो चीज़ कैसे समझाएं, तो वो चीज़ आप लोग समझाइएगा, छोटी छोटी बात को लेके डांट सुना। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा मन नहीं करता है उतना, मतलब कोई भी देखिए अंदर से दिल खुश रहता ना तो वीडियो बनाने में एक अलग ही एनर्जी आता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब, ऐसे आता है जब मन खुश ना हो ना, क्या बनाया यार, छोड़ो हटाओ ये बातें नहीं कर रही हैं काजल, ये तो बातें नहीं कर रही हैं, का बोली, मतलब कि समझ सकते हैं थोड़ा सा फीलिंग सैड हो ना, अगर
मियाज अच्छा ना हो तो कुछ नहीं, इसलिए कल हमारा व्लॉग नहीं आया था, तो आप लोग उससे माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। बाकी कोशिश करेंगे डे बाई डे व्लॉग आए, और हमारा रील्स भी नहीं आया था तो रील्स भी चल रहे हैं बनाने और आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए रील्स बनाते हैं फटाफट से, और आप सब लास्ट तक बने रहिए, और भी बहुत चीज़ें बतानी है आप सबको। बाइक का वो बेच दिए काजल, चेंज पॉकेट चेंज करवाए थे ना वही वाला। तो अभी दोस्तों हम लोग न्यू वाले घर में हैं, और ये नेक्स्ट डे शूट कर रहे हैं हम लोग। और काजल को देख रहे हैं सुबह सुबह नहा धो साड़ी वड़ी पहन लिए, और सोच रहे हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आप सबके मन में कोई भी सवाल हो तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, उसका जवाब अगले वीडियो में हम बता देंगे, दे देंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और थोड़ा सा वही फिर से मैं कर रहा था कसरत, क्योंकि ये हाथ ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे करने से ना क्या होगा कि धीरे धीरे दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एंड जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।